यूपी विधानमंडल के मानसून सत्र का दूसरा दिन आज, एक दर्जन से ज्यादा विधेयकों को पास कराने की तैयारी। बलिया के लठमार एसडीएम पर कार्रवाई की तैयारी। बलिया के लठमार एसडीएम पर कार्रवाई, सीएम योगी के आदेश के बाद निलंबित, सरे बाजार दुकानदार पर बरसाए थे दंड। जय वाजपेयी के विवादित मकान में रह रहे कानपुर पुलिस के तीन दरोगा निलंबित, विभाग को जानकारी दिए बिना गैंगस्टर के मकान में रह रहे थे तीनों पुलिस वाले। पीलीभीत में रह रहे हजारों बंगला भाषी लोगों को अब सरकार जमीन का मालिक बनाने जा रही है। भारत पाक विभाजन के बाद पूर्वी पाकिस्तान से आए इन बंगला भाषी लोगों को भारत सरकार ने कैंपों में रखा और बाद में इन्हें पुनर्वास योजना के तहत देश के अलग अलग हिस्सों में बसाया। पीलीभीत प्रशासन ने जिले की चांदिया हजारा गांव और राहुल नगर में 415 परिवारों को मालिकाना हक दिलाने की कार्रवाई शुरू कर दी है। प्रशासन के मुताबिक जल्द ही कागजी कार्रवाई पूरी कर इन्हें जमीन का मालिकाना हक दिया जाएगा। देवरिया की सदर सीट से बीजेपी विधायक जन्मेजय सिंह का निधन, लोहिया अस्पताल में रात करीब 12:30 बजे लिया आखिरी सांस, हार्ट अटैक बताई जा रही मौत की वजह। फतेहपुर के असुथर कस्बे में किसानों से गेहूं खरीदने के बाद सरकारी तंत्र ने उसे खुले मैदान में रखवा दिया था जो बारिश से गीला होकर खराब हो गया। एफसीआई पर फ्रेश गेहूं में सड़े हुए गेहूं को मिक्स कर जनता को खिलाने की तैयारी करने का आरोप लगा है। फतेहपुर में एफसीआई वाले मामले में वीडियो भी सामने आया है जिसको लेकर जिले के मार्केटिंग ऑफिसर रमेश कुमार ने बताया कि वीडियो की जांच के आदेश दिए जा चुके हैं, मामला सही पाए जाने पर आरोपी के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। कोरोना संक्रमण का असर अब बच्चों की पढ़ाई पर पड़ने लगा है। वाराणसी के लम्ही गांव में कई परिवार ऐसे हैं जिनके घर में स्मार्टफोन नहीं है या फिर है भी तो एक है, लिहाजा बच्चों को ऑनलाइन क्लासेस में परेशानी हो रही है। सीतापुर में एक दुकान में सांप निकलने से दुकान में भगदड़ मच गई, सांप की लंबाई करीब 7 से 8 फीट थी। खबर मिलते ही आसपास के लोग दुकान के बाहर जमा हो गए। मौके पर पास के एक दुकानदार ने पहुंचकर लोगों की मदद से सांप को पकड़ लिया और पास के जंगल में छोड़ दिया। नो स्कूल नो फीस को लेकर सहारनपुर में अभिभावक संघर्ष समिति का प्रदर्शन, बीएसपी सांसद फजलुर रहमान ने प्रदर्शन का किया समर्थन। 28 अगस्त को जिला मुख्यालय पर होने वाले धरना प्रदर्शन में पूर्ण सहयोग का आश्वासन। गौतम बुद्ध नगर के नोएडा सेक्टर 19 में महिला का शव मिला, नाले में मिला महिला का शव, शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर मामले की जांच की जुटी पुलिस। अयोध्या में सरयू नदी का जलस्तर खतरे के निशान के ऊपर, खतरे के निशान से 72 सेंटीमीटर ऊपर बह रहा सरयू नदी। मुंडा जीहा पूरे चेतन पीपरी संग्राम समेत कई गांव प्रभावित। ललितपुर में कुछ दिनों से हो रही बारिश कहर बनकर टूट रही, यहां दो बच्चों की पानी से भरे गड्ढे में डूबकर मौत हो गई, दोनों बच्चे एक ही परिवार के थे। लखनऊ के निगोहा में ट्रिपल मर्डर से सनसनी, राखी गांव में घर से मिले दो बुजुर्गों के खून से लथपथ शव, एक बॉडी जंगल से मिली, लूट के बाद हत्या की आशंका। आजम खान को जेल में वीआईपी ट्रीटमेंट देने के आरोपों का मामला, शिकायत पर फैसल खान ने आईजी कारागार को सौंपा शपथ पत्र और कथित सबूत, कहा उम्मीद है निष्पक्ष जांच होगी। अभी नहीं खोला जाएगा ताजमहल और लाल किला, आगरा प्रशासन का फैसला, 1 सितंबर से बाकी ऐतिहासिक इमारतें खोली जाएंगी। आगरा में बस हाईजैक केस में आरोपियों पर लगेगी रासुका, एसएसपी का बयान, 12 और आरोपियों की हुई पहचान। कुशीनगर में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़, 25-25 हजार के दो इनामी बदमाश गिरफ्तार, दोनों बदमाश गोली लगने से घायल, परगन छपरा के पास हुई मुठभेड़। कोरोना संकट के बीच हमीरपुर में डेंगू का कहर, हमीरपुर के गलहिया गांव में डेंगू के चपेट में कई लोग, ग्रामीणों के मुताबिक डेंगू के चलते अब तक 9 लोगों की मौत। बरेली बाल सुधार गृह में 15 बच्चों की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई, जबकि नारी निकेतन में संवासिनी और स्टाफ समेत कोरोना के 91 केस सामने आए। मऊ के घोसी कोतवाली क्षेत्र में पीट पीट कर बुजुर्ग की हत्या, रास्ते के विवाद में हुई हत्या, 2 आरोपी गिरफ्तार, बुद्धिपुरा गांव का मामला। गाजीपुर में 25 हजार का इनामी बदमाश नन्ने खान गिरफ्तार, पुलिस को कई दिनों से थी बदमाश की तलाश, थाना करीमुद्दीन पुलिस की कार्रवाई। लखीमपुर खीरी की सदर कोतवाली पुलिस ने बाइक चोरी करने वाले गैंग का किया पर्दाफाश, 2 आरोपी गिरफ्तार। नगर के सिखेड़ा थाना क्षेत्र में पावर हाउस में लगे ट्रांसफार्मर में आग लगने से हड़कंप, फायर ब्रिगेड की गाड़ियों ने आग पर पाया काबू।
नोएडा में बीजेपी महामंत्री चंदीगिराम यादव का वीडियो वायरल, महिलाओं के साथ डांस करते दिखे चंदीगिराम, कोविड प्रोटोकॉल का किया उल्लंघन। हापुड़ के थाना धौलाना क्षेत्र में हुई बारिश से अलग अलग जगहों पर मकान गिरा, एक महिला को अस्पताल में भर्ती कराया गया, छोटे मोहल्ले और नंदपुर गांव का मामला। ललितपुर में हत्या आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार किया, आरोपी पर था 25,000 रुपए का इनाम, सदर कोतवाली क्षेत्र की घटना। बिजनौर में दुकान के शटर में करंट आने से 12 साल के लड़के की मौत, जानकारी के अनुसार बारिश के कारण दुकान में उतरा करंट, चाहशीरी क्षेत्र का मामला। औरैया में नेशनल हाईवे 19 पर मजदूरों को ले जा रहे ट्रक एक खड़े ट्रॉली में जा भिड़ा, ट्रक सवार 19 मजदूर घायल, 8 मजदूरों की हालत गंभीर, अजीतमल कोतवाली क्षेत्र की घटना। लखीमपुर खीरी के एसपी ने चेक किया पुलिस का रिस्पांस टाइम, लूट की फर्जी खबर फैलाकर जांची अपनी टीम की हकीकत, राजापुरी चौकी इंचार्ज के काम की तारीफ। कानपुर में बाप बेटे के बीच मारपीट, पिटाई का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल, कल्याणपुर थाना क्षेत्र के कल्याणपुर कला की घटना। बिजनौर में त्योहारों को लेकर प्रशासन अलर्ट, डीएम और एसपी की अगुवाई में पैदल मार्च निकाला गया। आगरा में डॉक्टर योगिता की हत्या का मामला, पोस्टमार्टम रिपोर्ट में हुआ खुलासा, गोली मारकर की गई थी डॉक्टर योगिता की हत्या। गंगा किनारे बसे शहरों में वाराणसी को सबसे स्वच्छ शहर का अवार्ड मिला, स्वच्छता सर्वेक्षण 2020 में गंगा टाउन की श्रेणी में वाराणसी को यह अवार्ड हासिल हुआ। स्वच्छ सर्वेक्षण में इस बार नोएडा ने लंबी छलांग लगाते हुए पूरे यूपी में अव्वल स्थान हासिल किया, इस बार देश में नोएडा की रैंकिंग 25 है जबकि पिछली बार यह रैंकिंग 150 थी। कानपुर देहात में संदिग्ध परिस्थितियों में एक मां बेटी ने फांसी लगाकर जान दे दी, नाबालिग बेटी के प्रेम प्रसंग के कारण आए दिन पति और पत्नी में विवाद होता था जिसके चलते मां ने अपनी नाबालिग बेटी के साथ फांसी लगाकर जान दी थी।